तो भाई कई दिनों से जो मैं कह रहा था कि भाई स्टेयरकेस के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो फाइनली वीडियो आ गई है। और स्टेयरकेस को डिजाइन करने के कौन से वो तरीके होते हैं वो मैं आज आपके साथ रिवील करने वाला हूँ, जो पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना कोई नहीं बताने वाला है। और आप बोले यार खर्चा बहुत किया समझाने के लिए, टीवी लेना पड़ा है, HDMI केबल भी लेनी पड़ी है, बहुत महंगी आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे बेस्ट तरीके में कॉस्ट कटिंग में, क्योंकि हमारी कंपनी का टैगलाइन क्या है, बजट आपका डिजाइन हमारा, मतलब आपका बजट चाहे कुछ भी हो डिजाइन करने का हम दम रखते हैं, तो भाई वो होगा। और आज ही इस वीडियो बनाएगा और आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना स्टेयरकेस डिजाइन कर लोगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल इंटेक कोच में, मैं हूं इवेंट कोच एंड इंटेक बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइस स्टेयरकेस डिजाइन करने के चार तरीके होते हैं। अब पहले हम ये मान के चलते हैं कि स्टेयरकेस हमारे घर में दो टाइप से होती है। एक स्टेयरकेस या तो हमारी घर के बाहर से होती है, बाहर से इन द सेंस कि आपके घर के इंटरनल एरिया से नहीं जा रही है, अगर ऊपर रह रहे टेनेंट है या कोई और भी रह रहा है तो साथ के साथ बाहर से यूज कर लेगा। दूसरी स्टेयरकेस होती है जो हमारे घर के अंदर से जाती है। तो जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं वो दोनों के लिए फॉलो होने वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अंदर में करें या बाहर के करें, लेकिन फोटोज में आपको इंटीरियर की दिखाऊंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेयरकेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, चार, कौन कौन से। या तो स्टेयरकेस की वॉल डिजाइन कर लो, चलो भाई कम खर्चा करना है तो स्टेयरकेस की रेलिंग डिजाइन कर लो, और कम खर्चा करना है तो स्टेयरकेस पे स्टेप्स तो लगने ही वाले, जो स्टेप्स उस पर पत्थर तो लगेगा ही लगेगा, उस पर खर्चा कर लो। अब आप कहते यार मनीष जी हमें ये भी नहीं करना, और कम खर्चे में कुछ बताओ, तो भैया लाइट प्लेसमेंट, लाइट्स प्लेसमेंट कर दिया और उसको लगा दिया ना, तो खर्चा कितना होगा, ज्यादा 3,000-4,000, और सारी चीजों में कितनी कॉस्टिंग लगती है पर स्क्वायर फीट वाइज या रनिंग फीट वाइज, वो सारी मैं वीडियो में डिटेलिंग दे रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया वॉल से कि मनीष अगर हमारे को वॉल पे खर्चा करना है तो क्या किया जाए। तो भाई वॉल के लिए अब मैं आपको सबसे पहले फोटोज दिखाता हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर वॉल क्रिएट कर रहे हैं तो रेलिंग पे खर्चा नहीं करना है। सपोज करो वॉल भी बहुत सुंदर बना दी और रेलिंग भी बहुत अच्छी बना दी, तो ना तो वॉल की फील आएगी ना रेलिंग की फील आएगी। एग्जाम्पल जो मैं हर बार कहता हूं कि अगर सामने ऐश्वर्या राय खड़ी है तो उसके पीछे नॉर्मल एक्ट्रेस रखनी है, ये नहीं कि ऐश्वर्या राय आ गए जैकलीन पीछे रख दी तो ना ऐश्वर्या देख पाओगे ना जैकलीन देख पाओगे। तो भाई अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले वॉल की बात करेंगे, तो भाई ये जो फोटो है घर के अंदर है लेकिन बाहर भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अब ये देख रहे हो, अभी आपको देखने में कितना सुंदर लग रहा है, स्टेयरकेस लग रहा है ना बढ़िया, बट इसमें कलाकारी देखो, इसके अंदर कोई टाइल या वो कुछ नहीं लगा हुआ है, ये प्लास्टर के ऊपर ही ग्रूव काटे हुए हैं, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे प्लास्टर किया है और प्लास्टर के अंदर ग्रूव काट दिए हैं, जिससे लग ऐसा रहा है कि भैया आपने कोई टाइल या वॉलपेपर ऐसा कुछ डाला है, जबकि ये कुछ नहीं है, सिर्फ पेंट हुआ है अच्छा, जो कि टेक्सचर पेंट है रस्टिक फिनिश में, और प्लास्टर के अंदर ग्रूव काटे हुए हैं, लेकिन पेंटर ने अच्छा काम किया हुआ है। तो प्लास्टर तो आपका घर में वैसे भी होने वाला था तो उसकी तो कॉस्ट हम काउंट करेंगे नहीं, और नॉर्मल पेंट भी आपके घर में वैसे होने वाला था उसकी भी कॉस्ट काउंट करेंगे नहीं, लेकिन जो ग्रूव काटे हैं हमने उसके एक्स्ट्रा है, जिसमें अगर इस पूरी दीवार के भाई ग्रूव कटेंगे ना तो ज़्यादा 2,000 या 2,500 रुपये लगेंगे, तो ये वाली फील आपको 2,500 में आएगी। अब हम कहते हैं यार मनीष नहीं ऐसा तो पसंद नहीं है, कुछ और दिखाओ, तो भाई ये देख लो, अब ये देख रहे हो, अब इस फोटो के अंदर आपकी जो वॉल है वॉल के ऊपर लाइटिंग के पॉइंट छोड़े हुए हैं, और साथ के साथ पीवीसी के पैनल डाल दो नहीं तो लकड़ी के पैनल डाल दो, और कॉस्ट कटिंग में जाना है तो पीओपी पनिंग कराओ और उसके अंदर ग्रूव खींच दो, दैट्स इट। और जहां पे लाइट आनी है वहां पे पहले ही लाइट का मार्जिन छोड़ के बाद में लाइट फिक्स कर लेना। लेकिन इस फोटो में गलती क्या है, इसमें फ्लोर को भी ज्यादा हाईलाइट किया है और जो रेलिंग है वो भी ज्यादा हाईलाइट हो गया, तो हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल में अगर पैसा डाल रहे हैं या वॉल में अच्छा काम करा रहे हैं तो हमें बाकी चीज को हाईलाइट नहीं करना है, और ये बिल्कुल ऐसी फील इजीली आ जाएगी जैसा फोटो में दिख रहा है आपको। अब आप कहते हैं यार मनीष हमारा तो रेंट का भी हो रहेगा, बाहर से स्टेयरकेस है तो क्या करें यार, मतलब लोग ऊपर नहीं चाहेंगे हमारे स्टेयरकेस को खराब कर सकते हैं, तो क्या। तो भैया सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है टाइल डाल दो, 2x1 की डालना या 4x2 की डालना, वैसे तो मैं कहूंगा या तो प्लैंक टाइल, जैसे वुडन फ्लोरिंग होती है ना ऐसे प्लैंक टाइल आती है वो डालो, नहीं तो फिर 2x1 की डालो, उससे बड़े साइज की टाइल डालोगे तो वो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, मैं तो मना करूंगा कि वो मत डालना। अब जैसे ये यहाँ पे 4x2 की टाइल है बट रैंडम साइजेस में काटी है और बीच में टी प्रोफाइल डाला है गोल्ड का, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि आपको पेंट नहीं कराना पड़ेगा, अगर कोई सामान ऊपर नीचे कर रहा है तो वहां खराब नहीं होगा, टाइल एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू काम करेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर फ्रेश प्लास्टर है तो ठीक है, लेकिन अगर पेंट या पुट्टी हो रखा है और अब आप डिजाइन करा रहे हो तो केमिकल से लगेगी, और टाइल कौन सी अच्छी लगती है घर के अंदर उस पर भी आई बटन में मैंने वीडियो डाल दी, वहां जाके चेक कर सकते हो। और टाइल को लगाते कैसे हैं, क्योंकि मैं डेली सुबह यही कॉल उठाता हूं कि भाई मेरे घर में टाइल गिर गई, मेरे घर में फॉल्स सीलिंग गिर गई, मेरे घर में ये हो गया, तो एग्जीक्यूशन कैसे कराना है वो वीडियो का भी आई बटन मैंने डाल दिया है, जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो भाई ये वॉल के अब मैं आपको रैंडम कंसेप्ट दिखा रहा हूं, ये आप देख लो, ये देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, इसकी अगर कॉस्टिंग निकालेंगे तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट में जाके वॉल कैलकुलेट होगी। और भैया बेस्ट तरीका अगेन
कस्टमाइज है भाई, मोल्डिंग लेके आनी है मरंडिया पाइन वुड की लकड़ी में मोल्डिंग लेके आओ और ऐसे जाके लगवा दो और पेंट करवा दो, कहानी खत्म। और घर के अंदर ये पूरी थीम फॉलो हो सकती है। कितनी भी मूवीज उठा के देख लेना, बॉलीवुड या हॉलीवुड, सबसे कॉस्ट कटिंग का तरीका यही होता है, फ्रेंच स्टाइल है। इसमें वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगेन आई बटन में मैंने डाल दिया, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। बहुत वायरल वीडियो है। सबसे बड़ी चीज है, आपका जो घर है वो दिखाई देगा भैया बाहर का इटली डिजाइन का, और कॉस्टिंग आएगी ना बराबर। अगर मैं बात करूँ, आपका एक ड्राइंग रूम है सपोज कर लो 25 फुट बाय 15 फुट, तो पूरे वॉल में खर्चा आएगा 25 से 30 हज़ार रुपये, ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला, और भी ज़्यादा आ सकता है। लेकिन बेसिक अगर हमें चाहिए, लकड़ी अगर हम नॉर्मल वाली लेते हैं जो कि बहुत अच्छी चलती है, उसका ये कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये आप कर सकते हो, और साथ के साथ आप अपने घरों में भी कर सकते हो। बहुत सारे ये लूअर्स हैं जो बने बनाए आते हैं, ये पीवीसी के लूअर्स हैं, अगेन ये थोड़े महंगे आते हैं। इसका एक पैनल मतलब अगर मैं वॉल की बात करूँ तो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, सेम ये डिज़ाइन चाहिए तो। तो भाई ये तो हुआ वॉल का, और साथ के साथ इसमें आप स्टोन क्लैडिंग भी डाल सकते हो, बट ये अगेन स्टोन क्लैडिंग 100 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगी, 50 रुपये का मटेरियल, 30 रुपये की लगाई, तो 180 रुपये स्क्वायर फीट इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो यहाँ से आप स्टोन क्लैडिंग पे भी जा सकते हो। तो ये तो सारे पॉइंट जो है वॉल के, कि अगर आपको वॉल पे खर्चा करना है। अब कोई कहता है यार नहीं मनीष, हमें वॉल पे इतना खर्चा नहीं करना है, हमें खर्चा करना है रेलिंग पे। तो ठीक है भाई, अब हम वॉल को छोड़ते हैं और रेलिंग पे आ जाते हैं। तो रेलिंग का सीधा सा रामबाण है, दो टाइप की रेलिंग करनी है। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर में थोड़ा सा फर्क आएगा। एक्सटीरियर में अगर आपको अपनी वॉल पे कुछ नहीं करना और रेलिंग अच्छी दिखानी है, तो हमेशा ही एंटिक कलर में जाना, एंटिक डिजाइन में जाना। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ एंटिक डिजाइन होता क्या है। अब ये जो फोटो देख रहे हो, इसके अंदर ये डिजाइन देख रहे हो, ये सारा एंटिक है। पहले चलता था, बीच में ट्रेंड चले गया था, अब ये ट्रेंड वापस आ गए हैं। फोटो में देख रहे हो जितने बड़े लग्जरी फार्म हाउस आजकल बन रहे हैं, उसके अंदर सारी एंटिक ही रेलिंग बनती है। और इसकी कॉस्टिंग मैं बता देता हूँ, इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो 650 रुपये रनिंग फुट आती है, जिसके अंदर सारा लेबर मटेरियल लोहा सब आ जाता है और सारी चीज़ बनके रेडी हो जाती है। और सस्ता भी हो सकता है अगर लोहे में जा रहे हैं, बट इसमें जो मटेरियल है उसमें थोड़ा घुमाव देना पड़ता है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, नहीं तो ये 450 रुपये रनिंग फुट में भी हो जाता है। तो अगर घर के बाहर करने जा रहे हो, इन हाउस के अंदर नहीं है स्टेयरकेस, तो आपको यही डिजाइन देना और कुछ नहीं डालना है। अब कई लोग पूछते हैं मनीष जी एसएस में डाल दें कि एमएस में डालें? हमेशा भैया एमएस में डालो, एसएस में क्यों डालना है, स्टेनलेस स्टील में क्या फायदा होने वाला है, ट्रेंड गया उसको छोड़ दो, लोहे में डालो। और मैट फिनिश का पेंट करना, ये ध्यान रखना, ग्लॉस कर दिया तो सारा पैसा खराब। तो हमेशा मैट फिनिश में पेंट करना, एनिमल मैट फिनिश में, तो वो बहुत अमेजिंग लुक लेके आएगा। अब भाई ये सेकंड फोटो देख रहे हो, देखो इसके अंदर भी वॉल अलग से प्लेन है, और भाई स्टेयर केस की रेलिंग पे फोकस किया गया, वॉल पे नहीं। अगर वॉल भी हम ज़्यादा डिजाइनर में कर देते तो जो रेलिंग है इसकी जो प्यारी सी फील है वो चली जाती। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि भाई पैसा नहीं लगता है घर को सुंदर बनाने में, सिर्फ दिमाग लगता है जो हम और हमारी टीम के पास है। तो ये तो बात हुई कि भैया अगर घर के बाहर वाली रेलिंग को डिजाइन कर रहे हैं तो ग्लास को भी उतना प्रेफर मत देना, अंदर दे सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। अगर घर के अंदर रेलिंग डिजाइन कर रहे हो तो डिजाइन देखो सबसे पहले क्या हुआ है इसमें। अगेन अगर रेलिंग पे फोकस कर रहे हैं तो दीवारों पे और फ्लोर पे नहीं करना है, सिंपल पत्थर लगा के छोड़ देना, व्हाइट कलर या ब्लैक कलर जो आपको अच्छा लगे। अब ये देख रहे हो ये एमएस का काम है, देख लो भाई बहुत सुंदर लगता है। मैं अभी एक होटल में गया था, वहां पे हमने डिजाइन करी थी, और भाई जो ओनर था ना वो ऐसा हो गया कि यार मनीष जी मेरे दो रिजॉर्ट और है, वो भी आप करो, सारा काम लोहे में कराओ, क्योंकि जो काम बिल्डिंग का फसाड लोहे में हो सकता है ना, वो ना लकड़ी एसीपी एचपीएल किसी भी नहीं सकता, जो काम लोहे में हो सकता है और सबसे बड़ी चीज है सस्ता पड़ता है। अब ये देख रहे हो ये एमएस के पाइप्स हैं, ये 1 इंची बाई 1 इंची का पाइप है, और इसको ऐसे यू शेप में लूअर्स के फॉर्म में लगा दिया है। इससे क्या फायदा है, आपको इधर से एक पार्टीशन का क्रिएशन भी मिल गया और एक लॉन्ग हाइट मिल गई। तो अगर आपके घर का साइज छोटा है और आपकी स्टेयर को आपके ड्राइंग रूम या इस एरिया में से जा रही है, और अगर आपने ये डिजाइन कर दिया तो भाई हाइट बहुत ज्यादा मिल जाती है और देखने में घर काफी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगेन लोहा है तो मैट फिनिश, ग्लॉस नहीं करना है। ये दूसरी फोटो है, अगेन देख रहे हो यहाँ प्लेन है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी लोगों का सवाल हो सकता है कि मनीष तो फिर अगर बड़े बुजुर्ग नीचे उतर रहे हैं तो पकड़ें कैसे, तो इसके अंदर क्या होता है साइड वाली वॉल पे एक रेलिंग अलग से ऐसे लगानी होती है, जो अगर आप ये देख पा रहे हो ये रेलिंग होती है, ये अलग से लगा दो, जिससे कि फायदा क्या होता है कि कोई भी इजीली बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी है वो ऊपर नीचे चढ़ सकता है या उतर सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे डिजाइन है, जैसे कि मैं आपको कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूँ, तो देख रहे हो मुझे ऐसे डिजाइन बहुत पसंद आते हैं। और लास्ट में ये बताऊंगा कि अगर खर्चा करना है और ऐसा स्टेयरकेस चाहिए जो 1 लाख में किसी एक घर में हो, वो भी मुश्किल से, 1 लाख तो छोटा वैल्यू, 10 लाख में किसी एक घर में हो, तो वो डिजाइन भी बताऊंगा एंड में, और उसकी कॉस्टिंग क्या थी वो भी बताऊंगा। अब जो भाई थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट होता है हमारा भैया स्टेयरकेस के स्टेप्स। अगर स्टेप्स आपको अच्छे देने हैं तो कॉम्बिनेशन आपको फिर रेलिंग का, जो कि ग्लास की रेलिंग हो सकती है, और साथ में स्टेप्स पे खर्चा करना पड़ेगा। इस केस में आपको ना वॉल पे खर्चा करना है, ना रेलिंग पे खास खर्चा करना पड़ेगा, सिर्फ स्टेनलेस स्टील
बिल्कुल प्रोफाइल वाला हैंडल, वो वाला रेलिंग रहेगा जिसमें ग्लास के थ्रू स्टेप दिखाई दे। अगर रेलिंग हाईफाई कर दिए और स्टेप्स भी अच्छे कर दिए तो ना रेलिंग पता लगेगा ना स्टेप्स। तो स्टेप्स में क्या होता है, ग्रेनाइट के बहुत ही कम ऑप्शन आते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपको करना है तो कुछ रैंडम प्ले कर सकते हो। अब इसमें मेरे पास एग्जैक्ट फोटो तो नहीं है, बट मैं कुछ पत्थर के नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे चीकू पल हो गया और सिल्ट ग्रे हो गया और पी वाइट स्टोन हो गया, लेकिन पी वाइट थोड़ा सा इकोनॉमिकल रेंज में आ जाता है, वो उतना अच्छा नहीं लगता है। टाइगर ब्राउन हो गया, वो पत्थर आप यूज़ कर सकते हो और कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे भाई मैं कौन सा पत्थर लगाऊं, तो मैं जो सबसे सस्ता वाला मार्बल आता है, वाइट वाला जो पत्थर आता है, वो ख़राब नहीं होता है, टूटता नहीं है इजीली और सबसे बढ़िया लगता है। और दूसरी चीज़, ये एक मोल्डिंग है और उसकी जो डबल मोल्डिंग में आप इनले करा लोगे तो और भी सुंदर होगा, फोटो में आप देख सकते हो, तो वो आप फोटो में भी देख सकते हो, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और वाइट मार्बल स्टेयर केस की तो अमेजिंग यार मजा आता है, लेकिन हाँ अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा उठक पुठक करोगे तो टूट भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टेयर केस के स्टेप्स पे अगर आपको खेलना है तो इटालियन में जाओ, लेकिन इटालियन अगेन कॉस्टिंग बढ़ा देता है। इटालियन में जो मज़ा आएगा वो कहीं आएगा नहीं, लेकिन अगेन ना इटालियन भी इज लाइक अ मर्सिडीज, अगर मर्सिडीज रखोगे तो मेंटेनेंस भी हाई रहेगी। तो इटालियन स्टोन रखने वाले तो उसमें क्रैक बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए उसको हर 3 साल में आपको पॉलिश कराना पड़ेगा जिससे क्रैक डेवलप ना हो। तो अगर आप बजट अलाउ कर सकते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हो, बाकी इधर तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं ही, जैसे ये वाइट स्टोन आ गया, ये बेसिकली सतवारी स्टोन है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1500 रुपये फुट आता है ये पत्थर। और अगर इटालियन में करोगे तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 350 या 400 रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। बाकी ग्रेनाइट में आप जा सकते हो, जैसे ये वाला ग्रेनाइट है, ये मुझे बहुत प्यारा ग्रेनाइट लगता है। और रेलिंग जो इसमें डालनी है वो टॉप प्रोफाइल वाली डालनी है, कौन सी रेलिंग डालनी है वो मैं दिखा देता हूँ। अगेन ये भी MS में बनवाना, यूज़ SS मत करना, बहुत ही रेयर केस में ही करना, अगर कहीं फंस जाओ तो, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम बता देंगे। ये ग्लास रेलिंग है सिंगल प्रोफाइल में, तो भाई ये है ग्लास की रेलिंग। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ग्लास की रेलिंग के अंदर सिंपल सी चीज़ है, MS का फ्रेम घुमाए और बीच में ग्लास डाल सकते हो, नहीं तो नीचे आपको ब्रिक वर्क में जब आप कर रहे होगे स्टेयर केस के स्टेप के टाइम पे, वहीं पे आपको ग्लास को फिट भी करवाना रहेगा, उसका चैनल अलग से छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे आप सिंगल टॉप रेल वाला ग्लास छोड़ सकते हो जो कि कुछ दिखता है कुछ ऐसा। बट ये महंगा पड़ता है, ये पड़ता है करीब 1200 से 1300 रुपये रनिंग फुट पड़ेगा आपको, इसकी जो कॉस्टिंग पड़ जाती है, लेकिन फील एकदम ऐसी कैसी आ जाएगी। तो अभी आपका कॉल है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अब अगर आप इस फोटो में देख पा रहे हो तो यहाँ पे स्टेप्स को हाईलाइट किया गया है और साथ के साथ रेलिंग को, तो अगर आपको ये स्टेप्स पे खर्चा करना है तो रेलिंग और दोनों को मिक्स करके चलना पड़ेगा, तो बस इतना सा कॉल है। अब आता है लास्ट ऑप्शन की, मनीष हमें यार ये सारे खर्चे भी नहीं करने, आप ये बताओ कि हमारा घर तो बन के रेडी हो चुका है, कुछ और एड ऑन करना है, या जिनका घर बन रहा है उनके लिए कुछ है लेकिन सस्ता और बजट में होना चाहिए, तो उनके लिए जो अमेजिंग टेक्निक होने वाली है वो होने वाली है प्लेसमेंट ऑफ लाइट्स। अब आपको इसमें क्या करना है, सिंपल अप डाउन की लाइटिंग्स जो है वो एक एक जगह पे लगा देनी है। अगर आपका घर नया बन रहा है तो आप उसके अंदर निश क्रिएट कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको जैसे जैसे स्टेप्स की हाइट चल रही है ऐसे ऐसे स्टेप्स की हाइट में एक निश कटवा देनी है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो, और ये एज इट इज ऊपर जहां जहां तक स्टेप जा रहे हैं वहां डाल दो, और नीचे वार्म वाइट वाइट या किसी भी टाइप की प्रोफाइल लाइट डाल दो, और देखने में ये दिखाई देगा ऐसा, जिसमें अगेन खर्चा नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ एक आपने ब्रिक वर्क में झिर्री काटी है, क्योंकि स्टेयर केस की वॉल ज्यादातर 9 इंच ही होती है, मार्जिन मिल जाएगा, इजीली काट पाओगे, फिनिश करा के लाइट डाल दो और ये फील आ गई सेम आपकी। ऐसी एक फ़ोटो और हमने आपके लिए निकाल के रखी हुई है, ये देखो। अगर एक्स्ट्रा एड ऑन है, थोड़ा सा खर्चा करना है तो इसमें वुड डाल दो, वुड की पैनलिंग हो जाएगी सिंपल, ये देखो, देख रहे हो, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। स्टेयर केस में लाइटिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, कहीं लाइट एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप घर के अंदर और घर के बाहर दोनों स्टेयर केस में कर सकते हो, दोनों सुंदर लगेगी। तो भाई ये भी एक स्टेयर केस का डिजाइन है, अगर अच्छा लग रहा है तो ये भी आप अपने घर में कर सकते हो। इसमें बेसिकली कुछ खास नहीं है, लेकिन बीच में ग्लास डाला है जिसकी जो कीमत आएगी वो 280 रुपये स्क्वायर फीट आएगा। बाकी जंबो ग्लास है, इतना बड़ा ग्लास को इंस्टॉल करने में दिक्कत आएगी, खरीदने में नहीं। तो ये भी एक डिज़ाइन है, आपको वैसे मैंने दिखा दिया है, और कुछ रेलिंग के डिज़ाइन हैं तो देख लो। तो भाई ये भी निश हो सकती है, बट मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल चलाना स्टेयर के स्टेप के साथ, लेकिन अगर आपके पास और वॉल का एरिया है तो ऐसे निशेज डाल दो, फील आपको यहीं से पता चल रहा है, देखने में सुंदर लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई अब आपको बताओ आपको कौन सा वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा, और आप कमेंट करके बताना आपके सबसे ज्यादा पैसे किस में बचे इन चारों ऑप्शंस में से। और भाई उससे भी सिंपल तरीका है कि वॉल पे आप हर 2-3 फुट के बाद एक एक अपडाउन की लाइट डाल दो, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें ऐसे कोई एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आप खर्चा करना चाहते हो और 10 लाख में से किसी एक घर में वो स्टेयर केस दिखाई दे, तो वो स्टेयर केस का डिज़ाइन होता है ये, जो कि बनता है कोरियन स्टोन में, जो कि आता है कंपनी डुपोंट, LG, सैमसंग, इन सब के। ये स्टेयर केस देख रहे हो भाई, ये स्टेयर केस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसका जो कॉस्टिंग आता है वो आता है 2800 रुपये पर स्क्वायर फिट से स्टार्टिंग होती है और 6500 रुपये पर स्क्वायर फिट तक जाता है।
बट देखने में ये दिखाई पूरा ऐसा देता है, जिसको बनाने में टाइम भी लगता है और पैसा तो डेफिनेटली लगता ही लगता है। और कुछ इसकी फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देख रहे हो, ये एज इट इज़ बन जाता है। पहले इसकी लोहे में पैनलिंग होती है, फिर उसके ऊपर प्लाई की पैनलिंग होती है 12 mm की, उसके बाद इस पर कोरियन का स्टोन लगाया जाता है। लेकिन इसको मेंटेन करना भी बहुत हाई वाली चीज़ है, ये बहुत महंगा स्टोन है। स्टोन सिर्फ 750 रुपये स्क्वायर फीट का आता है, बाकी फिर इसके ऊपर रेंज तक चली जाती है। तो भाई कैसी वीडियो लगी आपको ये ज़रूर बताना, मेहनत से तो मैंने बनाई है। बाकी अगर कोई सवाल ऐसा है जो पूछ गया, और आपसे हर वीडियो का कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट डालोगे, लेकिन आज अगर वीडियो डाली है तो कल शाम तक हम वेट करेंगे, जितने भी उसमें कमेंट आएंगे उसकी हम वीडियो उसके अगले दिन डाल देंगे, जिससे कि कोई भी सवाल छूटे ना। अगर स्टेयर केस के अंदर के स्पेस को, जो घर के अंदर स्टेयर केस होते हैं उसके नीचे के एरिया को कैसे डिजाइन करना है, उस पर भी आप वीडियो चाहते हो तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, आप कमेंट्स में बता देना तो वो भी मैं बना दूंगा। और व्लॉग चैनल आ गया है, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन में देख पा रहे हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।